लीग का एक तो बयानिए से मुतालिक आपने बात की, अगर हिफाजती जमानत मिल जाती है और अदालत में पेशी से पहले वो कुनान से खिताब करते हैं, जलसा आम से खिताब करते हैं, तो इस पर नून लीग क्या मौकफ, क्या बयानियाँ बना सकती है इस मामले पर? दूसरा ये कि जिस तरह रजा रबानी साहब ने गुफ्तगू की गुज़श्ता रोज़, उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात अगर सियासी जमातें चाहें भी तब भी शफाफ और गैर जानबदार नहीं हो सकते, एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है, क्या मौकफ इख्तियार करेंगे? एक तो ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ आते हैं और बिल्कुल ऐसे आराम से उनको वहाँ इस्तकबाल होता है, फिर इस्तकबाल के बाद उनको जलसागाह में ले जाया जाता है और फिर सब कुछ होता है, तो भी जलसागाह भी फीका रहेगा और उनका वेलकम ज़रूर होना चाहिए। मेरे ख्याल में वो कितना होता है कितना नहीं होता है, लेकिन अगर वो सीधे जलसागाह में जाते हैं और उनको अगर वो जो सजा है, मैं उस सजा को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, अगर वो उसकी वजह से उनको ज्यादा वो रियायत मिलती है तो ये उनके खिलाफ काउंटर प्रोटेक्टिव होगी, उनके खिलाफ जाएगी, उसके हक में नहीं जाएगी मियां नवाज शरीफ की। अगर उनको ज्यादा सहूलतें दी जाती हैं, अगर उनके लिए आसानियां पैदा की जाती हैं कि जी इनको जेल नहीं जाना चाहिए, इनको तो गलत सजा दी, सजा गलत दी गई थी, लेकिन जो रू प्रोसेस है कानून का अगर वो पूरा नहीं होगा तो लोग यही समझेंगे यार ये तो बस ठीक है जी, ये तो डील करके आ गए हैं, अब ये इस तरह जा रहे हैं और ये आप लोगों की खाल उतारेंगे, इस तरह का एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी और मेरे ख्याल में वो बिकेगा भी, उस पर लोग तवज्जो भी देंगे और बात भी करेंगे। तो एक तो बहुत मुश्किल है कि एक नए तरीके से नए अंदाज से आप कोई नया बयानिया बनाए, और ये भी नहीं है कि ये जो बयानिया बना हुआ है और जिसको समझा जा रहा है कि ये पॉपुलर बयानिया है, ये चलेगा, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। और अगर ये एक वक्त 6 दिन के लिए भी इक्तदार में आ गए, जिस शहजादे को समझ रहे थे कि ये सब मुश्किल की सब मुश्किलें हल करने वाला है, तो 6 दिन के लिए भी अगर ये आए तो इनको लोग अगले दिन इसको अगले हफ्ते में उसको कहेंगे जा जान छुड़ा वैसे कहाँ से फिर दोबारा मुसीबत आ गई है। तो ये होगा, तमाम सियासी जमातें मिल बैठे, तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठे, तमाम इदारे मिल बैठे जी, और ये तय करें कि भाई हमने इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है। और अगर अब भी एक दूसरे की टांगे खींचने का अमल, हमें मालूम है कि टांगे खींची जा रही हैं, हमें मालूम है कि किस तरह से चीजों को मैनेज किया जा रहा है, अगर ये अमल जारी रहता है तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप तमाम स्टेक होल्डर